फिर मुकाबले की पहली गेंद अपस्टिक से थोड़ी सी बाहर वाइड या आउटर लाइन की गेंद, संभवतः विराट के खिलाड़ी को बाहर किया गया है। अगली गेंद और ये लीजिए रिव है शॉट यहां पर रणजीत सिंह के बल्ले से निकलता हुआ और इस मुकाबले का पहला चौका से जुड़ा हुआ है। बहरहाल सुजीत मिश्रा अगली गेंद में पूरी करना चाहते थे विकेट के ऊपर से। बहरहाल एक बार फिर से सुजीत मिश्रा रणजीत सिंह यॉर्कर लाइन की गेंद को वहां पर हल्के हाथों से खेला है, वहां लंबा सीमा रेखा पर गेंद को थ्रो किया गया सुमित की ओर से, तब तक सिंगल चुनाव सुजीत मिश्रा इस प्रकार के लिए अनुभव है, उन्हें आप ज्यादा देर इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते और इस बार
चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं खड़ी होगी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक आसान सा कैच और इस तरह से दूसरे विकेट का पतन होने से पड़ा होगा। बराल एक बार फिर से सुजीत मिश्रा सामने सौरभ, पहली गेंद को यहां पर निकाल दिया है गेंद। बाबा नाम के ब्रह्म जागृति घर के ऊपर से ये गगनचुंबी छक्का। तो इस दिकार ने जहां से अपनी पारी की समाप्ति की, मानो सौरभ झा ने भी उस पार्टी को वही किया है। बराल सुजीत मिश्रा ये लीजिए था पटकी भी चाहते हैं बल्ले में कोई समय लगेगा। ये लीजिए था गेंद, लेकिन यहां पे फटना हो सकता है और लेकिन गेंद को चोट नहीं कर पाए भजरंगी। तो इस प्रकार से एक आसान सा मौका गवाया कि लगभग यह मौका कोई भी खिलाड़ी है अब एक बार फिर साथ में उभर लेकर आए हैं, जो कि अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने अतुल पटकी भी गेंद और जोरदार कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद अपेक्षक से काफी ज्यादा बाहर, दिशाहीन गेंद। अंपायर साथ है सुमित, क्या अतुल तेंदुलकर के किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। ये लीजिए इस गेंद को निकाला है वहां पर एक और लंबा छक्का। इस बीच ये थोड़ी तेज गेंद, लेकिन अतुल तेंदुलकर मजियों के बल्लेबाज है कि वो कोई मौका नहीं चुकेंगे बड़े हिट लगाने से। स्क्वायर 54 रन, एक भी फिर से पटकी हुई गेंद और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और गगनभेदी छक्का। तो अब जाकर एमएससीसी अमन अलेबन अपने पूरे पर उनके बल्लेबाज अतुल जो कि थोड़े से क्या सुमित वापसी कर पाएंगे, बारह सुमित कर लेंगे। ये लीजिए और यहां पर विकेट का पतन होना चाहिए, क्या बजरंगी लेंगे जी छूटा होता। बजरंगी ने कोई कसम सी खा ली हो कि गेंद उनको ही फॉलो कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं उनके हाथों में परोस के जिस एक बार फिर से जीवनदान। फिर से अतुल तेंदुलकर को अगली गेंद इस बार सम्मान दिया वहां पर। तो यहां पर अगर इस मुकाबले में अगर बहुत कैच उन्हें आज पूरी रात सपने में सताएगी। अगली गेंद और यहां पर अनबने अंदाज में खेलना चाहते थे अतुल, तो इस अपनी ओर से तो कोई कसर नहीं छोड़े। जो चुका खाने के बाद उन्होंने वापसी का मौका भी दिया, लेकिन इस बीच ये दिशाहीन गेंद और निश्चित रूप से अंपायर चंदन जी ने से वाइड का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो 129 है, लेकिन आज ऐसा लगता है एमएससीसी अमन अलेबन रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी। धारा इस बीच यॉर्कर की गेंद वहां पर हाना की स्थिति बनी हुई है, देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं सामने सौरभ झा। और ये दिशाहीन गेंद काफी ज्यादा बाहर, बॉल वाइड का तैयार अपने पहले और सामना करेंगे सौरभ झा। ये बॉल छोड़ के भी जो दर्शक किया जाते थे, लेकिन बॉल उनके पहले पे आई नहीं, सीधे विकेट है दो विकेट नुकसान पर एमएससीसी फॉर विकेट। और छोड़ गेंद पर खेला है स्वयं को धोने गेंद पर फील्ड करना चाहते थे, तो मैदान यहां पर रन आउट का चांस बन रहा था, लेकिन टपकाए हैं निश्चित रूप से ये उन्हें आने वाले समय में दुख देगा। जी हां मिलन भाई आप सही बोल रहे हैं, ये कैच सरदर दर बनेगा, अनुसूचित दौड़ कर एक रन खड़ा किए। ये देखिए यही इसी की मजबूरी चले 64 रन बैठे नगर के गेंदबाज सौरभ झा के लिए। ये गेंद 14 रन खेलना चाहते थे एंड मौके पर गेंद किसी प्रकार की शॉट नहीं रख रहे हैं, वो ऑफ स्टिक से बाहर थोड़ी सी आगे गेंदबाजी कर रहे हैं। ये जैसे कि मैं बात कर रहा था इस बीच शॉट तो जरूर खेलना है, लेकिन वहां पर हमने भी स्पिन जरूर हुई, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल चुराया। लेकिन आप इस लेवल के क्रिकेट में आ सकते हैं जी। फिलहाल मनोज अतुल के लिए अतुल इस बार गेंद को खेला गली क्षेत्र में, लेकिन शरीफ खान के एरिया में गेंद पर वह फील्ड कर ली। बल्लेबाज है फिलहाल इस बार अपने से काफी ज्यादा बाहर बारे उस बॉल को खेलने का, तो इस बार की दिक्कत नहीं हुई। और कवर के बीच से निकलता हुआ छह रन काफी ज्यादा वेरिएशन रखे, वही आपको फायदेमंद साबित होगी आपके लिए। फिर से लीजिए पटकी भी गेंद अतुल के कवर से निकलने वाला इस टूर्नामेंट कब तक का सबसे बड़ा छक्का। इसको टूर्नामेंट होता है तीन का मैच होता है तब इतने बड़े छक्के देखने को मिलता है। 78 रन फिर से फिर से और एक रन और लंबा छक्का है सामने। मिलन एक बार गेंदबाज को सोचना होगा मियांकी बिसु हैट्रिक छक्का खाने के बाद हैट्रिक है फिर मुखिया चार गेंद और चार छक्का। अभी बताइए तो इस राम बिशन की माना नामुमकिन माना जा रहा है बाला राम बिशन की ये पटकी भी गेंद और गेंद लीजिए और अपार ने से डेढ़ बॉल करार दिया है, मानो 80% ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। और ये लीजिए अगली गेंद लेकिन दो बॉल गेंद में एक और ट्विस्ट यहाँ पर कंगाली में आता गिला फिलहाल रामकिशन की अगली गेंद और ये लीजिए अतुल ने जोरदार प्रहार किया लेकिन इस बार मौका हो सकता है और आउट देंगे, लेकिन अतुल यहाँ पर जीवंता मिला। बहरहाल अगली गेंद को हल्के हाथों से खेला जैसे और तेजी के साथ सिंगल भी चुराया दोनों बल्लेबाजों ने।
और ये लीजिए यहाँ पर मिस फील्ड दूसरा रन भरा लगा है। एक बार फिर से अच्छी गेंदबाज है बजरंगी सामने अतुल और ये लीजिए अतुल तेंदुलकर ने गेंद को निकाला है फिर से मिड विकेट के ऊपर से छह रनों के लिए अतुल हमेशा देखिए लेकिन पूरा होता हुआ 102 रन अतुल तिरपन टीम 102 और जीआरपी लाइन की गेंद लेके अतुल से खेला है वहां पर छोटा थ्रो भी किया गया रन लेना चाहते थे लेकिन मना करना चाहते थे। बहरहाल मनोज सामने खतरनाक
बल्लेबाज महताब, ये लीजिए महताब जोरदार बल्लेबाज चाहते थे लेकिन गेंद उनके पैर से आकर टकराई, तो अब जाकर इस बॉल की ओर से अब नई अक्ल आई है कि गेंद को आगे रखनी होगी, लेकिन ये लीजिए फिर से पक्की भी गेंद हो सकता है फिर से तो यहाँ पर हाथ चलने की गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, अगली गेंद के बाद प्रहार करना चाहते थे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं एक बार फिर बता दी ये बड़ा चैलेंज उनके सामने अगली गेंद जो टारगेट करना चाहते थे लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो बबलू एक बार